भैया सी सेब जो सात जे दिल्ली जे चंडीगढ़ यूपी टीएससी रीप राजस्थान हाँ डब्ल्यू बी जे डब्ल्यू टी एन ये सारी की सारी एस सी पी सी गुजरात सब में पार्टिसिपेट करके देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक्चुअल में क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ अब ट्वेल्थ क्लास जेई और बहुत सारे तो ड्रॉपर बच्चे भी होते हैं। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि भैया ट्वेल्थ के साथ इसकी तैयारी की, जेई में साल इतने आए, कहीं ऐसा ना हो अगले साल इससे भी कम आ जाए। अब आप लोगों के पास और क्या ऑप्शन बचा है, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है कॉलेजेस के अंदर। भैया बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ भैया अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, अच्छा कॉलेज, अब प्लेसमेंट, नौकरी और ब्रांच और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, लेकिन ये मिलेगा कैसे, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। खैर शुरू से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। देखो यार आपका जो जोशा है, सी एस ए बी है, जेक दिल्ली है, जेक चंडीगढ़ है, हाँ यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, अच्छी ब्रांच चाहिए। वैसे अगर आपको अगर एक आंकड़ा बताऊं, अब एक रिपोर्ट निकल आ रहा है आई है वैसे पिछले दो साल की, 2500 से ज़्यादा बच्चों ने आईआईटी और एनआईटी जैसे ब्रांचों से आप कॉलेजों से ड्रॉप कर दिया। वेल व्हाई, आईआईटी और एनआईटी से कौन ड्रॉप करता है, पर क्यों? वेल द रीजन इज वो जो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी ब्रांचों से नहीं थे बच्चे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ती जा रही है। पिछले 100 साल में हमारा देश जितना नहीं बदला, उससे ज़्यादा पिछले 2 साल में बदल गया। आने वाले 10 साल के अंदर 99% जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर देगा। तो आप अगर अदर फील्ड में जा रहे हो देन आपका बहुत बड़ा घाटा है। इनफैक्ट आपको ऐसा करना चाहिए, आपको अगर अदर कॉलेज मिल रहा है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, CSES, डेटा साइंस जो भी मिल रहा है आप वहाँ से कर सकते हो। लेकिन आप अगर केमिकल कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, अदर अदर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच कर रहे हो, उसका फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है। वेल अब हम बात करते हैं यार ये कॉलेजेज हमें मिलेंगे कैसे। वैसे देखो आपको टारगेट करनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज, क्योंकि मेजोरिटी सीट्स जो फिल होती है वो उन्हीं में होती है। देखो हमारे देश का क्या रहता है, मतलब ऐसा सारा सिस्टम रहता है। वैसे अगर मैं आप लोग जब टमाटर लेने जाते हैं ना, ठीक है, थैले वाले से, अभी तो वैसे बहुत महंगे, तो अगर वो 10 रुपये भी कम ज़्यादा कर रहा है ना तो हम उससे नेगोशिएट करने लगते हैं। अब जो एक कॉलेज होता है उसको ओवन एन एवरेज एक बच्चा कितने पैसे पे करता है, 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर पे करता है वो। आज सॉरी क्षमा चाहता हूँ, 4 से 5 लाख रुपए 4 साल का पे करता है। अब कोई भी कॉलेज ये नहीं चाहता कि यार मेरा 4 से 5 लाख एक बच्चे का जाए, मेरे एक भी सीट खाली हो, ठीक है, खाली रहे, तो फिर वो क्या करता है, वो चाहता है मेरी सारी की सारी सीटें बढ़ जाए। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब में काफ़ी सारे हैं, अब वो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रहे वो लोग, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, टीचर, जॉब, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जैसे आई के गुजराल की काफ़ी कैंपस है, मेजोरिटी पंजाब के ऑल कॉलेजेस आई के गुजराल से अफिलेटेड है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। महाराजा रणजीत सिंह वाला कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गुरु नानक देव काफ़ी अच्छा कॉलेज है, खालसा कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। आप अगर राजस्थान की तरफ बढ़ोगे, BTU बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, MBM जोधपुर, RTU कोटा, CTI उदयपुर। आप अगर गुजरात की तरफ जाओगे SCPC के अंदर बहुत सारे कॉलेज, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में UP की तरफ अगर अपन बढ़े तो AKTU के अंदर मेजोरिटी कॉलेजेस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, आपको काफ़ी लो मार्क्स पे डायरेक्टली 12th मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बिहार झारखंड को नहीं जाएंगे हम, महाराष्ट्र के अंदर मेजोरिटी ऑल कॉलेजेज आर सिचुएटेड। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यार हम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम भी रन करते हैं। हम आपको ना प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं, ना वन टाइम कॉल सपोर्ट देते हैं, ना ही प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, ना ही टेलीग्राम ग्रुप। हम आपको देते हैं तो सोल्यूशन 24/7 कॉल सपोर्ट एंड 100% एडमिशन। अब यह गवर्नमेंट कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आप कोई बात नहीं, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम आज हम रन कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड 100% अपने मनपसंद कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल। वैसे एविएशन फील्ड में क्या स्कोप है भैया, हाँ आप हमारे काउंसलर को कॉल लगा के पूछो भैया कितना स्कोप है। वैसे तो आजकल हर कोई सैटेलाइट बना रहा है, हर कोई चांद पर जाने की बात कर रहा है, फ्यूचर में लोग चांद पर जाएंगे, मिसाइल बना रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है, तो हम कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हैं, फ्यूचर में क्या
क्या ऑप्शन है, डोंट वरी, ये आपके लिए बहुत बड़ा करियर ऑप्शन बन सकता है। और भी क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, वैसे आज हम दुनिया का सबसे अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं। आप भी अगर परेशान हो भैया कंप्यूटर साइंस चाहिए, बीटेक करना है गवर्नमेंट कॉलेजों से, अच्छे कॉलेजों से, कुछ अगर आपको और अगर अच्छे कॉलेज बताऊं, जैसे कि आपने सुना होगा बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी जम्मू के अंदर पड़ता है, बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। एक श्री माता वैष्णो देवी कटरा जोसा के थ्रू मिलता है, लेकिन अगर सीट वैकेंट रहती है तो डायरेक्टली आप जा सकते हो उसके अंदर। उसके बाद में राजीव गांधी कॉलेज रायबरेली में आपको मिल जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी आपको मिल जाता है यूपी के अंदर, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया, डीएवी कॉलेज, ट्रिपल एम यूटी, जीजीयू बिलासपुर, ये बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डायरेक्टली आपको जेईई के मार्क्स के बेसिस पे, ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे, काफी लो मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है। आप लोग भी जरूर से जाके हमारे पेड काउंसलिंग में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर हमसे 100% एडमिशन प्रोग्राम में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वैसे हम आपसे कोई डोनेशन चार्ज नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते, ना मैनेजमेंट कोटा फीस, कुछ नहीं, बस हम आपकी थोड़ी हमारी एडमिशन चार्जिंग फीस लेते हैं, जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, दिस इज अ नॉर्मल काउंसलिंग फीस, लेकिन आपको आपके टिल लास्ट तक पहुंचा देते हैं, एक अच्छा कॉलेज अलॉट करवा देते हैं।